बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जब शुरुआत की और सवा तीन महीने इस तरीके से निकल गए, किसी को कोई बीमा नहीं चल इसके अगले 60 दिन तो पलट झपते झपकते ही निकल गए। इतना कम समय हमारे पास है कि हम लोग रोज जब इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने योजना बनाई है उसमें पूरी ताकत लगा करके छोड़ करके हम लोग उसमें लग जाए, तभी शायद हम लोग इन 60 दिनों का सही माने में उपयोग कर सकें। पहली 2 जनवरी को चुनाव आयोग अपनी घोषणा कर देगा और नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद हम लोग कोई भी कार्यक्रम जो भी हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, उसके बाद तो सिर्फ चुनाव के ही कार्यक्रम होंगे, इलेक्शन कमीशन की देख रेख में कार्यक्रम होंगे, उनके जो भी कानून बनाएंगे वो तरीका बताएंगे उसके तहत ही कार्यक्रम कर पाएंगे, बहुत सी बंदिशें हो जाएंगी। इसलिए इस समय का हम लोग खोल के उपयोग करें। अब वो समय है जबकि देखिए आप उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां इस समय विचलित हो गई, परेशान हो गई है थोड़ा बहुजन समाज पार्टी। ये वही पार्टियां जो अभी तक बहुजन समाज पार्टी को दिवाई के महीने के पहले तक आंकड़ा लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी का कहां पता है, कोई पता ठिकाना नहीं, और बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई नहीं। और आज ये सारी पार्टियां जो हैं आज बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ने का काम कर रही है, इनकी लड़ाई आज बहुजन समाज पार्टी से ही चल रही है, इनकी सारी रणनीति सारी नीतियां हर पार्टी की इस समय बहुजन समाज पार्टी को देख करके और चलने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी उसके बाद अब कुछ नहीं, जब बच रहा तो वही जो पार्टी से हमारे निकाले हुए एमएलए हैं या पार्टी से जो निकाले हुए लोग हैं जिनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकाला गया है उन्हीं को ले ले करके हर हफ्ते भर में 10 दिन में एक बार अपने कार्यालय में श्री अखिलेश यादव जी कार्यक्रम कर लेते हैं और अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ले लेते हैं कि इतने लोग यहाँ हमारे पास आ गए। और बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुजन समाज पार्टी को झटका कौन सा लगेगा जब बहुजन समाज पार्टी ने जिसको निकाल दिया है जिसको पार्टी से बाहर कर दिया है वो कहाँ जाता है क्या करता है उससे हमारा क्या लेना है और उससे हमारी पार्टी को क्या फर्क पड़ता है। इतना जरूर है कि जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया और पार्टी को धोखा देने की वजह से हमारी पार्टी के एक जो हमारे कैंडिडेट थे और दलित समाज से थे राज्यसभा में चुनाव लड़ रहे थे जो जीत करके आ गए उनको हराने के लिए इन्होंने सौदा करते हुए और समाजवादी पार्टी के साथ में सौदा करके और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में सौदा करके जो मुंबई से आया था और उसके सौदे के अनुसार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया। तो जब इन्होंने धोखा देने का काम किया तो उनको तो जो रास्ता दिखाना था पार्टी को तो दिखाना ही था और वही दिखाने का काम किया। आज वित्तविहीन जो शिक्षक हैं उनके दोनों जो उनके संघ हैं उन दोनों के संघों के अध्यक्ष हमारे साथ में बीच में बैठे हुए, इन्होंने बहन मानी जी से भी दोनों लोगों की अलग अलग हमें मुलाकात करवाई और मुलाकात करने के बाद इन्होंने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी थी और रखने के बाद इन्होंने ये भी बताया कि हमारे हजारों की संख्या में स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर में सैकड़ों की संख्या में